मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं संयोग संघर्ष समिति एवं निविदा संविदा कर्मचारी संघ के सभी विद्युत कर्मचारियों को यगा करना चाहता हूँ कि जो भी गद्दार साथी हमारे हैं उनको मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि वो हमारे पेट पे लात नहीं मार रहे हैं। हर एक कर्मचारियों को पेट पे लात मार रहे हैं, अपने परिवार को पेट लात मारने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ कि हमारे हर एक कर्मचारियों का क्या शोषण होता है, वो कोई नहीं देखने आता है। 8,000 रुपए में हमारा केवल गाड़ी का पेट्रोल और हमारे चाय पानी का खर्चा निकल जाता है। हम विभाग में क्या खर्चा करें, कैसे करें, और विभाग ये नहीं देखता है कि आपने क्या किया। आज ऊर्जा मंत्री जी ने ये आदेश किया है कि जो कर्मचारी काम करेगा उसको 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन दिया जाएगा। मैं अमित चतुर्वेदी, अंबेडकर नगर सक्रिय कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, निविदा संविदा कर्मचारी से बोल रहा हूँ। 1 महीने 20 दिन का मेरा वेतन कटा है, ऊर्जा मंत्री उसको क्यों नहीं दे देते, उसको क्यों नहीं दे देते। अगर मेरी मांग नहीं मान ली जाती है, मैं ऐसे शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना दूंगा। मैं कोई क्षत नहीं पहुंचाऊंगा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के ऊपर, क्योंकि कल हमको इसी में आना है। अगर हम लोग नहीं आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऊर्जा मंत्री द्वारा यह आदेशित किया गया है कि कल से नए लड़कों की भर्ती होगी, तो भर्ती कर लें। वो खंबा जानते हैं, वो टीआफ जानते हैं। अरे यार, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है, रोडवेज का ड्राइवर नहीं है कि ट्रैक्टर वाले को पकड़ लाओगे वो चला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सभी अपने संविदा और सरकारी स्टाफ से यह कहना चाहता हूँ, जो आज दिन आया है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। आज नहीं मिल पाया तो कभी नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप लोग 24 घंटे एक साथ हो जाइए। पेट में पल रहा हुआ बच्चा भी याद कर लेगा कि आज बिजली के कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बस इतनी थोड़ी सी बातों में मैं विराम देता हूँ। जय संविदा, जय यूनियन, जय संघर्ष समिति।